ज्योति मिर्जा जी पिछले 4.5 साल से कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में नहीं देखी जा रही थी, तो अब स्वाभाविक है कि उनका मन कोई आज नहीं बदला है, उनका मन काफी दिनों से बदला हुआ था, क्योंकि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पीएर पक्ष से कांग्रेस की रही है और ससुराल पक्ष से बीजेपी की रही है। हो सकता है उन पे किसी तरीके का बड़े उद्योगपति घराने से वो संबंध रखती है, कोई दबाव होगा या उनका मन बदला होगा, मैं कुछ नहीं कह सकता, इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि 3 साल से तो मैं अध्यक्ष हूँ, कभी भी किसी भी कांग्रेस के कार्यक्रम में ज्योति मिर्जा जी नहीं आई, इसलिए उन्होंने ज्वाइन किया है तो वो उनको मुबारक हो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम नागौर जिले में भी सशक्त हैं और राजस्थान में भी सशक्त हैं और पुनः कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। 3 साल से मैं अध्यक्ष हूँ, मुझे उन्होंने सिंगल फोन भी कभी नहीं किया कि मेरी ये प्रॉब्लम है, किसी संगठन के नाते या जब मैं शिक्षा मंत्री था तो मंत्री के नाते 3 साल तक। वो किस आधार पे कह रही हैं वो तो वो जाने, क्योंकि जो जाता है ना तो वो झूठी सही कुछ ना कुछ कमियां निकाल के जाता है। हमारे सुभाष मेहरिया जी भी गए थे और 2-3 महीने पहले पीसीसी मेंबर बने थे, मैंने उनसे पूछा था कि क्या आप कांग्रेस में हैं, पीसीसी मेंबर बना दूं, बोले हैं कांग्रेस में ही हैं, कांग्रेस अच्छी पार्टी है, अच्छा काम कर रही है, मुझे बना दीजिए। और फिर अचानक राजेंद्र जी राठौड़ साहब जब नेता प्रतिपक्ष बने तो उनकी दोस्ती उन्हें जागृत हो गई और वो कांग्रेस में कमियां गिनाते हुए निकल गए। तो वो तो अपना अपना विवेक है, अपनी अपनी बात है, अपना अपना मन है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश टीवी।